हरियाणा में 12 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं और अपने अपने समर्थकों के साथ बैठकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं गुरुग्राम लोकसभा से इनेलो प्रत्याशी भीड़ जुटाने में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मिला इनेलो का गढ़ माने जाने वाले झाड़सा गाँव में, जहाँ कभी पहले इनेलो की जनसभाओं में खचाखच भीड़ हुआ करती थी, वही इन जनसभाओं में कुछ ही लोग शिरकत करते नजर आ रहे हैं। आप दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इनेलो के जो प्रोग्राम में पहले भीड़ खचा खच हुआ करती थी, गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता है। आज वो नजारत है, भीड़ कहाँ है, तो ये खामियाजा नहीं, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा, गर्मी का मौसम है। पर मैं आपको बता दूं, मैं 9 के 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी टूर कर चुका हूँ और आप मौसम देखिए, बाहर अभी इस वेदर में बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन जितने भी लोग आए हैं हर एक जगह हमें पूरी सपोर्ट मिल रही है। पूरा झाड़सा गांव की जो सरदारी है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, और मैं तो कहूंगा कि इस सब का परिणाम तो जी 23 तारीख को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आम जनता जो है वो तो कहीं ना कहीं ये कहती है कि जो वीरेंद्र राणा है वो विदेश में रहे हैं या फिर बाहर रहे हैं, गुड़गांव से ज्यादा वाकिफ नहीं है, और उनका एटीट्यूड तो ऐसा है कि शायद आम जनता से उनके इंटरेक्शन भी नहीं है, तो हम क्यों चुने? ऐसा है जी, गांव में मैं पैदा हुआ हूं, गांव के स्कूल में भी पढ़ा हूं, दिल्ली में भी पढ़ा हूं और अमेरिका में भी पढ़ा हूं। बिल्कुल सही बात है, अमेरिका में 15 साल रहा हूं, लेकिन हर साल मैं 2-3 महीने आता था। आज भी मैं पूरे गांव को बाई नेम जानता हूं, और जो भी आदमी मुझे जानते हैं आप उनसे पता कर सकते हैं कि भाई वीरेंद्र राणा कितना ग्राउंडेड है, कितना लोगों से जुड़ा हुआ है।